सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने मेरा लैपटॉप के अंदर GTA 5 गेम प्ले कर रहा हूँ। अगर आप भी अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप के अंदर GTA 5 को डाउनलोड करना चाहते हो एंड गेम प्ले करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कोई भी मोड के बारे में नहीं बताऊंगा। एंड यहाँ पे 100% ओरिजिनल होने वाला है GTA 5 एंड इसके अंदर यहाँ पे आपको टोटली फ्री में मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं ओरिजिनल GTA 5 आप लोगों को देने वाला हूँ, वो भी टोटली फ्री में। तो कैसे आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अपने लो एंड कंप्यूटर के अंदर और लैपटॉप के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप GTA 5 गेम प्ले करना चाहते हो अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। एंड गाइस मैं आप सबसे यहां पे दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी मदद होता है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सके, तो हमारा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे आप लोग GTA 5 गेम को आप अपने कंप्यूटर में और लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस GTA 5 गेम को डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे आपको तरीके देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जो विंडोज के लिए अवेलेबल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यहां पे टोटली फ्री में डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग टोटली फ्री में ओरिजिनल GTA 5 को डाउनलोड कर सकती हो, मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड कोई भी मैं आप लोगों को यहाँ पे हैक एप्लीकेशन नहीं दूंगा, कोई भी आपको मोड एप्लीकेशन नहीं दूंगा, मैं जस्ट आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ओरिजिनल तरीके में, जो जेन्युइन तरीका है, आप लोग जेन्युइन तरीके में ओरिजिनल गेम को आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आना होगा। अगर आप कंप्यूटर के अंदर करना चाहते हो तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाना। एंड आने के बाद आप लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए। सो क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको ऊपर में सर्च करना होगा वाप गेम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वाप गेम सर्च करने के बाद आपको एंटर करना होगा। एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पहले नंबर पे वेबसाइट मिलेगा, तो सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज देखने को मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो गाइस वाप जो एप्लीकेशन है विंडोज के लिए अवेलेबल है और मैक के लिए भी अवेलेबल है। तो आप लोग मैक यूज करते हो तो आप लोग ले लेना, अगर आप मैक यूज करते हो आप लोग तो खरीद भी सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देखना, तो मैं विंडोज यूज करता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड वाप डेस्कटॉप के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर देना। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ 3-4 MB का एक्सटेंशन डाउनलोड होगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर लूंगा डायरेक्टली। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंशन पैक डाउनलोड हो चुका है, तो मैं आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड एक्सटेंशन पैक के ऊपर दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसको इंस्टॉल भी कर लेना। एंड इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो आप लोग एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहां पे आपको लॉगिन करने के लिए बताएगा, यहां पे आपको गूगल ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, ईमेल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहां पे रिकमेंड करूंगा आप लोग गूगल से यहां पे डायरेक्टली लॉगिन कर लेना। एंड गूगल से लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ स्टेप से पेज देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ स्टेप का पेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर आप लोगों को GTA 5 गेम फ्री में मिल जाएगा। एंड फ्री में लेने के लिए यहां पे आपको कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते हो मेरे अकाउंट के अंदर 30 कॉइन अवेलेबल है, तो यहां पे आपको वाप कॉइन आपको अर्न करना पड़ेगा। एंड उसी कॉइन से आप लोग GTA 5 गेम को क्लेम कर सकती हो। एंड यहां पे आपके पीसी में यहां पे डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहां पे आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, एंड जेन्युइन तरीका है। तो इस वाप गेम के अंदर आप लोग कैसे कॉइन अर्न कर सकते हो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो गाइस देखो यहाँ पे आपको डेली के स्पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्पिन किया, एंड स्पिन करने के बाद देखते हैं मुझे यहाँ पे कितना कॉइन मिलता है। एंड जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे 1.5 कॉइन मिल चुका है। एंड मैं सिंपली इसका कलेक्ट कवर क्लिक करूंगा। एंड कलेक्ट कवर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखना यहाँ पे मेरा कितना कॉइन था, यहाँ पे 30.6 कॉइन था, तो यहाँ पे 32 कॉइन हो चुका है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको डेली का टैक्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग
दे सकते हो, डेली का टास्क आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपना फ्रेंड को रेफर भी कर सकते हो, रेफर करने के बाद यहाँ पे आपको और भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे कॉइन अर्निंग होने वाला है। उसके अलावा जिसके अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस एप्लीकेशन के अंदर से जो बंदा यहाँ पे अर्न कर रहा है, लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड आप लोग को चेक करके दिखा दूं। तो कैसे यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग गेम खेल के आप लोग अर्निंग कर सकते हो, जो बहुत ही बढ़िया बात होगा। एंड यहाँ पे जो येलो एल जो गेम है इसके अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो नंबर वन पे है, यहाँ पे 468 कॉइन यहाँ पे अर्न कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स मिलेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं आप लोग गेम खेल के कैसे कॉइन को अर्न कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको बहुत सारा गेम्स देखने को मिल जाएगा, सीओडी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे फॉल गाय का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको एपिक्स लेजेंड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको फॉर्टनाइट का, पबजी का, यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को गेम्स देखने को मिल जाएगा। इनमें से कोई गेम को आप लोग खेल के आप लोग कॉइन अर्न कर सकते हो बहुत ही इजीली। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉल गाय का ऑप्शन मिलता है, अगर मैं फॉल गाय के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले लेवल पे क्या है, यहाँ पे आपको 100 कॉइन यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा इन वन मैच। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कैसे मिशन है, यहाँ पे लेवल 2 के अंदर मुझे 20 कॉइन मिलेगा, लेवल 3 जब मैं आ जाऊंगा गेम खेलने के बाद तो मुझे यहाँ पे 40 कॉइन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे फॉर्टनाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे फॉर्टनाइट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे 10 किल कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये वाला जो कंप्लीट हो जाएगा मैं इसके ऊपर क्लेम करके यहाँ पे ले सकता हूँ। एंड यहाँ पे फिनिश वन मैच विथ एट लास्ट 5 किल्स, यानी कि मुझे 5 किल करना होगा एक मैच के अंदर और मुझे 10 किल करना होगा टोटल, उसके बाद इसके मैं क्लेम कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेवल 2 पे यहाँ पे 20 कॉइन मिलेगा, लेवल 3 के अंदर मुझे 40 कॉइन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेली के यहाँ पे आपको रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा जिसको आप लोग क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारा गेम्स देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको गेम को अलग से डाउनलोड करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्टनाइट के बारे में बात कर रहा था, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो इस गेम को खेलने के लिए मुझे एक अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा क्रोम से, एंड क्रोम से डाउनलोड करने को आप लोग यूट्यूब के ऊपर देख लेना कि फॉर्टनाइट गेम को कैसे डाउनलोड करें फ्री में, एंड आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको जो बाप गेम है इस बाप गेम को यहाँ पे आपको मिनिमाइज करना होगा, एंड यहाँ पे आपको इसको क्लोज मत करना, अगर आप क्लोज कर देते हो तो यहाँ पे आपका कॉइन कलेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको मिनिमाइज करना होगा। आप इसको ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज कर देना, एंड मिनिमाइज करने के बाद आपको जो फॉर्टनाइट गेम है उस गेम को आप लोग ओपन करना, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग गेम प्ले करना, एंड गेम प्ले करने के बाद यहाँ पे आपका कॉइन अर्निंग होता जाएगा एंड यहाँ पे उसको कलेक्ट कर लेना, एंड कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉइन मिल जाएगा। अभी मेरे अकाउंट में 32 कॉइन है, मैं इसको गेम खेल कर अर्निंग कर लिया है। एंड उसके बाद आप लोग कैसे GTA 5 को ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस के ऊपर जाना होगा, एंड जाने के बाद गाइस आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग Amazon का गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे Google Play का गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। तो सिंपली मैं लोकलिटी यहाँ पे चूज करूंगा ग्लोबल, एंड ग्लोबल को ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे जो GTA 5 का गेम है ओरिजिनल वर्जन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो GTA 5 गेम को खरीदने के लिए मुझे यहाँ पे 2450 यानी कि 2450 मुझे कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको रिडीम कर सकता हूँ। रिडीम करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाउ टू रिडीम, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे रॉकस्टार गेम का एक लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे GTA 5 को आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे जब भी आप लोग रिडीम करोगे, रिडीम करने के बाद यहाँ पे आपको एक रिडीम कोड देखने को मिल जाएगा, उसी रिडीम कोड को आपको रॉकस्टार गेम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको रिडीम कर लेना होगा। एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पीसी में और लैपटॉप में GTA 5 गेम डाउनलोड हो जाएगा। एंड जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी के टाइम में आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, एंड इसका जो लास्ट परचेस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 घंटे एगो यहाँ पे परचेस हुआ था, यानी कि सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप लोग रिडीम कर लेना। तो सबसे पहले आप लोग कॉइन कलेक्ट कर लेना, एंड कॉइन को कलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे करना, उसके बाद आपका यहाँ पे गेम रिडीम कर लेना आप लोग रॉकस्टार लॉन्चर को डाउनलोड करने के बाद। तो गाइस आप लोग ऐसे ही जेन्युइन तरीके से आप लोग टोटली फ्री में आप लोग GTA 5 गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो गाइस आज के लिए इतना, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है अगला वीडियो में, टेक केयर, बाय।